मैं अब आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी देखो मेरे पीछे जो आप नज़ारा देख रहे हो, अगर मान लो मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ और कैमरा लेकर के खड़ा हो गया, अब मैं सोच रहा हूँ क्या बताऊँ इसके बारे में। हेलो गाइस, तो आप पीछे देख रहे हो जो पहाड़ दिख रहा है ना आपको, इस पहाड़ में कितना फॉग फॉग लग रहा है, बिल्कुल क्लियर नहीं लग रहा है। नीचे खेत खलिहान है, ये छोटे छोटे घर बने हुए हैं। भाई ये व्लॉगिंग होती है? नहीं। एक नॉर्मल व्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, बस एक छोटा सा काम करना होता है, स्क्रिप्टिंग। देखो भैया, कोई टेक्निकल बातें नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ब्लॉगिंग इज ऑल अबाउट स्टोरीज, नॉट टेक्निक्स। देखो भैया, स्क्रिप्टिंग ना बहुत टाइप की होती है, लेकिन ब्लॉगिंग के फील्ड में मोटा मोटा पकड़ के चलते हैं कि दो टाइप की होती है। एक होती है प्री स्क्रिप्टिंग और दूसरी होती है पोस्ट स्क्रिप्टिंग। अभी प्री स्क्रिप्टिंग क्या होता है कि जब आप कहीं पर भी व्लॉग करने का सोच रहे हो, आप एग्जांपल के तौर पे ले लो कि आप कोई ट्रैवल व्लॉग शूट करने वाले हो और आप गोवा जा रहे हो, ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपने पहले से ही सब कुछ लिख करके रख लिया कि मुझे घर से सुबह उठना है तो ये शॉट निकालना है, उठकर हमें ये बोलना है, फिर रास्ते में ये शॉट्स लेने हैं। तो आप ये सारी चीज़ें जब लिख लेते हो ना, तो आपके पास क्या होता है कि एक पूरा का पूरा लाइनअप बन जाता है। मतलब सुबह घर से निकलते वक्त और गोवा पहुंचने तक आपके पास में सब कुछ लिखा होता है कि ये शॉट्स लेने हैं, ये बी रोल सिनेमैटिक लेना है, इस स्टॉप पर मुझे ये बात करनी है, और इस तरह से आप पूरा सिक्वेंस में एक वीडियो शूट कर लेते हो। और फिर जब आप एडिटिंग का टाइम आता है ना, तब आपके पास में ना बहुत टाइम बच जाता है, क्योंकि आपने सब कुछ सीक्वेंस में शूट किया है। आपने क्या किया, सब क्लिप्स को उठाई और लगाई और एडिट करके एक्सपोर्ट मार दिया। आपको ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। बस एक प्रॉब्लम ये आती है कि आपने जो स्क्रिप्ट लिखी है तो आप उससे अलग कुछ शूट नहीं कर सकते हो, अलग कुछ बोल नहीं सकते हो। अगर आपने बोल भी दिया तो आप जब एडिट कर रहे होगे ना, तो आप उसको सीक्वेंस में मैच नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है जो कि अपने आप में एक किंग है, ठीक है। क्योंकि आपने जो पहले ही लिखा हुआ है, सोचा ही हुआ है, वो रैंडम आपने कुछ सोच लिया, वो उसके मुकाबले उतना अच्छा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें बस एक प्रॉब्लम है, और फ़ायदे अनेक हैं। फ़ायदे कैसे कि आपका टाइम बचता है, आपको पहले से ही पता है कि हाँ यहाँ पर जाकर के ये शॉट्स लेने हैं। दूसरा, आप जिस जगह जा रहे हो, जिस भी स्टोरी को लेकर के आप ब्लॉग क्रिएट कर रहे हो, उसके लिए आपने पहले से ही गूगल करके कैसे भी करके सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। तो आप जब कभी भी किसी चीज़ को देखा, आपने मान लीजिए कोई बिल्डिंग देखी या फिर कोई ट्रैवल स्पॉट है, आपने उसको देखा, तो आपको ना उसके बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन है, आप सब कुछ बोल दोगे। और वहीं जब आपको पता ही नहीं है, आपने प्री स्क्रिप्टिंग की नहीं है, तो आप बस सामने देख करके ऐसे ही बोलोगे कि हाँ भैया कितना अच्छा नज़ारा है, बहुत मज़ा आ रहा है, क्या हवाएँ चल रही, मेरे बाल उड़ रहे हैं, बस यही, इसके आगे आप बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन भैया हमें फ़र्क नहीं पड़ता जूते हो या फिर चप्पल। देखो यार, आदमी की औकात ना उसकी आंखों के कॉन्फिडेंस से पता चलती है, ठीक है। पड़ी जीन्स पहन लो, लेकिन आंखों में आंख डाल करके देखोगे तो मेरा फंबल हो चुका है। फंबल हो गया भाई, छोड़। तो गांड मारने के लिए बोला था। तो प्री स्क्रिप्टिंग में ऐसा कुछ होता है। अब बात करते हैं पोस्ट स्क्रिप्टिंग के। तो भैया देखो, पोस्ट स्क्रिप्टिंग में ना आप बिल्कुल फ्री होते हो, फ्रीडम आपको इतनी मिलती है कि पता नहीं कितनी मिलती है। आपको सिंपली कैमरा उठाना है, रैंडम चीज़ें शूट करनी है, जो मन में आया है वो बोलना है, और ऐसा करके आप घर आ जाते हो, और फिर आप बैठते हो, सारी क्लिप्स देखते हो, और फिर आप उसको देखने के बाद में एक स्टोरी क्रिएट करते हो। आपको एग्जांपल के तौर में बताऊं, कुछ व्लॉग्स आपने ऐसे देखे होंगे कि एक बंदा होता है, वो कहीं पर ट्रैवल करके आता है, फिर अपने स्टूडियो में रूम में एक कोने में बैठ जाता है और स्टोरी नरेट करता रहता है, आप सुनते रहते हो और विजुअल्स चलते रहते हैं, और बीच बीच में उसने जो रैंडम व्लॉग किया है वो वाली क्लिप्स आपके सामने आ जाती है। तो
पोस्ट स्क्रिप्टिंग में फ़ायदा ये होता है कि आप बिल्कुल फ्री रहते हो, लेकिन निगेटिव थिंग इसमें यह है कि एडिटिंग के टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, सारी क्लिप्स देखनी पड़ती है, हर एक क्लिप्स को सीक्वेंस में ऐड करना पड़ता है, फिर आप स्टोरी जो है वो क्रिएट करते हो, फिर बोलते हो, एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है। लेकिन इसमें ना आप फील करके जो भी कुछ बोलते हो, स्टोरी इतनी मज़ेदार जो क्रिएट होती है, क्या ही बताऊँ। अगर आपने कोई भी चीज़ गूगल से इंफॉर्मेशन निकाली और वहाँ पर जा करके वही चीज़ बोल रहे हो, तो उसमें वो फील नहीं आता है। लेकिन अगर आप जो चीज़ वहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर लाइव फील कर रहे हो, एक्सपीरियंस आप ले रहे हो, उसको जब आप अपने शब्दों में बयां करोगे ना, तो उसमें एक अलग ही फील आएगा, लोग आपसे कनेक्ट होंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सब लोग हर जगह ट्रेवल नहीं कर चुके होते हैं, कुछ लोग आपकी वीडियोस के जरिए वहाँ पर जाने का सोचते हैं, और आपने वही चीज़ बोल दी जो गूगल में आपने देखी है, तो वो तो गूगल में डायरेक्ट पढ़ ही चुके हैं ना, उन्हें कुछ ऐसा यूनिक चीज़ चाहिए जो आपने फील किया है, और फिर वो भी जाएं और उस चीज़ को महसूस करें जो आपने अपने शब्दों से बयां किए थे। तो पोस्ट स्क्रिप्टिंग जो होती है वो लोगों को कनेक्ट करती है। जैसे ये हेलो बात आती है, पोस्ट स्क्रिप्टिंग करें या फिर प्री स्क्रिप्टिंग करें, क्योंकि मैंने तो आपको दोनों के फायदे और दोनों के घाटे दोनों ही बता दिए हैं, तो हम आपको क्या रिकमेंड करेंगे? तो हम भैया कहेंगे कि दोनों ही ना करो। अब आप सोच रहे हो कि 2-3 मिनट की वीडियो देख ली है और फिर उसके बाद कह रहा है दोनों ही नहीं करो, अजीब चूतिया इंसान है। तो भैया कह लो, चूतिया कह लो, पागल कह लो, जो भी कह लो, लेकिन मैं आपको बीच का रास्ता बता रहा हूँ। देखो, जब आप प्री स्क्रिप्टिंग करोगे ना तो वो फील नहीं आएगा, पोस्ट स्क्रिप्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो बीच का रास्ता ये है कि आप प्री स्क्रिप्टिंग करो सिर्फ और सिर्फ अपने शॉर्ट्स की, बी रोल, सिनेमैटिक, ये सोचना है आपको कि इतने शॉर्ट्स निकालने हैं मुझे इस तरह से, और थोड़े सा जो नॉलेज आप ले लो जिस जगह पहली बार जा रहे हो उसका थोड़ा सा नॉलेज ले लो, इसकी आप प्री स्क्रिप्टिंग करके रख लो, और उसके बाद में आप जाओ आराम से फ्रीली होकर के ब्लॉग शूट करो, जो मन में आ रहा है वो बोलो, जैसा भी आपको करना है करके आओ। अब आप आओगे, अपनी क्लिप्स देखना है, ओ अच्छा ऐसा, तो ऐसा जब आपको लगेगा ठीक है। अब आपको याद रखना है कि आप जब वहाँ पर थे तो आपने क्या क्या चीज़ों को फील किया, क्या प्रॉब्लम्स आई उस जगह के बारे में, खास बात आपको क्या लगी, खर्चा रुपया जो भी है, वो सारी का आप एक स्टोरी बनाएं और फिर आप लग जाए काम पर, एडिटिंग करने लगे, बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि इस समय ना आपको सब कुछ पता है, रियल एक्सपीरियंस है, फील बिल्कुल नया नया है, ताज़ा ताज़ा है, फ्रेश हो, तो जो भी आप अपने शब्दों से बयां करोगे ना वो बहुत ही अच्छे से बयां कर सकोगे, ठीक है। तो आपका टाइम भी बचेगा और ज़्यादा आपको मगजमारी करने की ज़रूरत होगी नहीं। अब बात आती है कि भैया स्क्रिप्टिंग करे कैसे, मोबाइल में लिखे, पीसी में लिखे या कॉपी पेन में लिखे? तो देखो, जिसमें आपको मज़ा आता है आप उसमें ही करो। अगर आपको कीबोर्ड चलाने में मज़ा आता है तो आप वहाँ पर करो, मोबाइल में टेक्स्ट करने में आता है तो वहाँ पर स्क्रिप्ट लिखो, और या फिर आपको मेरे जैसे कॉपी पेन में मज़ा आता है तो करो। क्योंकि मैं कॉपी पेन लेकर के बैठता हूँ, एक लाइन लिखता हूँ तो पिछली सॉरी अगली 3 लाइनें मेरे दिमाग में आ चुकी होती हैं। ऐसा कुछ है, वो स्कूल टाइम पे ऐसे लिखता था ना, बहुत अच्छे से लिखता था, कभी याद करके नहीं गया, कभी कुछ नहीं किया, बस वहाँ बैठा जो मन में आ रहा लिखता जा रहा हूँ लिखता जा रहा हूँ। तो सेम चीज़ है अभी भी, देखो लिखा हुआ है, मतलब पूरा जो बोला है वो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मेन मेन टॉपिक्स, किस लाइन को बोलना है नहीं बोलना है, ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है। तो आप जब लिख कर चलते हो चीज़ों को ना, तब आप भटकते नहीं हो अपने रास्ते से। तो कहने का मकसद यही था कि स्क्रिप्ट लिखोगे तो कंटेंट अच्छे से बनेगा, और नहीं लिखोगे तो वही डेली लाइफ स्टाइल वाला ब्लॉग बनेगा, हेलो जी मैं ये खा रहा हूँ, हेलो जी मैं वीडियो बना रहा हूँ, हेलो जी लो सॉरी मुंह से निकलने जा रहा था लोधा जी। तो यह आज की वीडियो में बस इतना ही, और हाँ जाते जाते जो यहाँ तक आ चुके हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, बाय।